जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, इन्फॉर्मेटिव पे, और आनंद भी है इस वीडियो को बनाने में। वजह क्योंकि काफ़ी कुछ आप जान पाएंगे अपने बारे में, पहले घर के बारे में, कुछ अंतर्दृष्टि, कुछ सूक्ष्म ता उसकी जो आपको जानना चाहिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, संतान के बारे में, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, आने वाली दशाएं हैं, बहुत आसान है मुझे कंसल्ट करना। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं, आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, न्यूरोलॉजी सीखनी है, अवश्य स्वागत है उनका, संपर्क कर सकते हैं मुझे इन्हीं नंबरों पे, फीस के बारे में जानने के लिए, कोर्स वगैरह के बारे में जानने के लिए और माध्यम के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों जो ये फर्स्ट हाउस है, जैसे हम और आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाउस है, बहुत पिविटल हाउस है, हमारी पूरी पत्रिका को हैंडल करने वाला हाउस है, आप यूँ कह सकते हैं। अगर छोटे में बात को कहा जाए, फर्स्ट हाउस अगर सद गया है, बाकी सारी चीज़ें सद जाती हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। तो अगर फर्स्ट हाउस पत्रिका में बलि है, सुंदर है, सुंदर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो यकीन मानिए जीवन जो है आनंद से बीत जाता है। पॉइंट आते हैं कि यहाँ से, फर्स्ट हाउस से हम लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। उसमें देखिए बहुत चीज़ें हैं, हमारे जीवन का जो है वो सक्सेस है, फेम है, हमारे जीवन का हेल्थ है, हमारी ओल्ड एज है, हमारे ज्ञान है, ये सब देखिए फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। हमारी शारीरिक एबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। एक तरीके से कह दीजिए कि देखिए ये शुरुआत है, फर्स्ट हाउस जो है एक प्रकार से हमारी पत्रिका का मिरर है, आईना है। बाकी के जो 11 हाउसेज होते हैं या भाव होते हैं, वो फर्स्ट हाउस के मुताबिक ही कार्य कर रहे होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, पत्रिका में अगर फर्स्ट हाउस आपकी, जो पत्रिका में फर्स्ट हाउस है, लगन भाव है, तनु भाव है उसको जो कहते हैं, अगर वहाँ पे सही तरीके के प्लैनेट्स बैठे हैं, लगन का स्वामी पत्रिका में सुंदर बैठा है, तो आप वैसे भी देखेंगे बाकी भी कई चीज़ें ठीक हैं साथ में। वजह क्योंकि प्रभु की यही इच्छा रही है, इसीलिए देखिए इस तरीके का चीज़ है। यहाँ पे सूक्ष्म बातें क्या हैं जानने के लिए, देखिए फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो है आत्मा का प्रतिनिधि करता है फर्स्ट हाउस। आत्मा से हमें और आपको क्या मतलब है, तो भाई पूरा मतलब है, उसी से मतलब है, और किसी से मतलब क्या है। हम और आप सब जो हैं यहाँ पे, जो बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, आज है कल नहीं है, आत्मा हमेशा रहती है, अविनाशी है, अजर है। तो देखिए उस पे फर्स्ट हाउस से हम लोग उसको देखते हैं, बताने का क्या अर्थ है, अब उसके ऊपर क्या भार है या वो क्या साथ लेके आई है आनंद के स्रोत, ये आप जान सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर आप ध्यान देखेंगे, कोई आदमी कहता है कि आत्मा चीत्कार कर उठी है या आत्मा प्रसन्न हो गई है, ये अवश्य ध्यान रखिए फर्स्ट हाउस का वहाँ पे काम आ रहा है, वहाँ पे उसका जो है रोल प्ले हो रहा है। तो आत्मा देखिए इसलिए यहाँ पे विशेष हो जाती है, सबके लिए हो जाती है, वैसे तो सब हैं, भूले पड़े हुए हैं उसको, लेकिन अगर हम लोग ज्योतिष भाषा में बात करें, हमारे और आपकी बात करें कि हम लोगों को हर चीज़ जो है मटीरियलिटी से तोलते हैं,
ये अच्छा होगा नहीं होगा, घर होगा मकान होगा दुकान होगा पैसा होगा, सभी तौलते हैं, हम भी तौलते हैं आप भी तौलते हैं, तो उसके रूप में भाई आत्मा भी उसी रूप में प्रसन्नता पाती है। कहने का अर्थ है 99% लोगों की आत्मा प्रसन्नता कब पाती है, मकान है घर है बैंक बैलेंस है चीज़ें हैं, इनसे आत्मा प्रसन्नता पाती है। सेवा भाव, लोगों से सच्चाई, अपने कर्म ठीक करना, शुभ रखना, धर्म पे चलना, ये सब बैक स्टेज की बातें हैं, ये बाद में आती हैं किसी के जीवन में, अगर किसी के आ भी जाती हैं गोपाल कृष्ण की कृपा से तो। तो कहने का अर्थ है उसी संदर्भ से आप समझिए कि फर्स्ट हाउस देखिए हमारी आत्मा का कारक है, ये हम लोगों को बताता है द अमाउंट ऑफ पेन हमारे हमको मिलेगा या हमको देखिए यहाँ पे प्रसन्नता मिलेगी। अब पत्रिका में यहाँ पे कोई मान लीजिए शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, बृहस्पति महाराज बैठे हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, बुध महाराज बैठे हुए हैं, शुभ का उज्जवल चंद्रमा बैठा हुआ है, आप समझ सकते हैं ज्ञान हैप्पीनेस नॉलेज प्रसन्नता विवेक बुद्धि हर एक चीज़ की बहुत आहत रहेगी और आत्मा हमारी शुद्ध रहेगी पवित्र रहेगी और प्रसन्न चित्त रहेगी। अब यहीं पे आप मान लीजिए राहु केतु शनि महाराज मंगल महाराज बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे दे सकते हैं, क्रूरता शो करते हैं, लेवल ऑफ परेशानियाँ शो करते हैं। अब जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि हमारी आत्मा तक दुखित हो जाती है, वहाँ तक चोट पहुँचती है इन सारे प्लैनेट्स के बैठने से जो क्रूर ग्रह बैठे होते हैं। अब देखिए शनि राहु केतु ये सब यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ भेद रहेंगे, भेद का मतलब ये है। अब प्लैनेट्स देखिए साम दाम दंड भेद से चलते हैं, अब यहाँ पे जो शनि राहु केतु हैं ये भेद वाले प्लैनेट्स हैं, भेद रहेगा हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा कितना दुख मिलेगा, कौन सी डिफ़िकल्टीज मिलेंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स मिलेंगी, धोखे मिलेंगे, भ्रम मिलेंगे, वो ये सब देखिए शो करते हैं और इसी से जातक की वृत्ति भी बन जाती है, वो इसी तरीके से फिर कार्य भी करने लग जाता है। यहाँ पे अभी उसके मैं आगे बताऊंगा कि उसकी वजह क्या है, तो देखिए वो उसी हिसाब से फिर कार्य भी कई बार स्वयं करने लग जाता है, कहते हैं ना मरता क्या ना करता, उसी हिसाब से फिर वो ढल जाता है जब ये प्लैनेट्स बैठे होंगे। मंगल महाराज बैठे होंगे अवश्य स्ट्रेंथ देते हैं ताकत देते हैं कई चीज़ों के बारे में, फिजिकल जिसको कहा जाए, लेकिन यहाँ पे भाई क्योंकि उग्र हैं यहाँ पे दंड की नीति अपनाते हैं तो क्रोध बड़ा रहेगा गुस्सा बड़ा रहेगा, दमन की नीति बड़ी रहेगी, दबा के रखो क्रोध है लड़ाई झगड़ा है ये सारी चीज़ें हैं। सूर्य देवता देखिए यहाँ पे बैठते हैं तो हर प्रकार की पोजीशन स्ट्रेंथ हर प्रकार का देते हैं लेकिन अपने में अहम या अहंकार दे देते हैं कभी कभार। तो ये प्लैनेट्स देखिए जो होते हैं जब यहाँ बैठते हैं तो हमको इस प्रकार से हमारी आत्मा को ग्रो करते हैं या नीचे करते हैं, देखिए इन चीज़ों को। शुभ प्लैनेट बैठे हों, बृहस्पति बैठे हों, शुक्र बैठे हों, चंद्र महाराज बैठे हों, बुध महाराज बैठे हों तो आनंद है कई प्रकार, अच्छा अपनी राशियों के बैठे हों, मूल त्रिकोण में बैठे हों, उच्च के बैठे हों अगर शुभ ग्रह, तब तो आनंद की सीमा क्या है, तब तो जो है अच्छे कुल में जन्म है, अपने प्रयासों से सफलता पाना है, सब कुछ होता है अच्छा, उसमें स्वयं भी प्रसन्नता होती है आत्मा को भी प्रसन्नता होती है, शुभ कार्य करता है अंदर से स्वयं आदमी, फिर इस बात का मोल होता है कि हाँ हम इस जग में जो है सुंदर काम करने आए हैं, अच्छे काम करने आए हैं, लाभ लोगों को देने आए, किसी को चीट करने नहीं आए हैं, स्वयं भी हमारी वैसी वृत्ति नहीं होती है। दूसरा पॉइंट देखिए आत्मा के साथ साथ यहाँ पे होता है, फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं जो सूक्ष्म पॉइंट है, हमारे सोचने समझने का तरीका, ये हम यहाँ से देखते हैं फर्स्ट हाउस से, ये आप ध्यान रखिएगा। अब सोचने समझने का तरीका वही मैंने अभी पहले वीडियो में बताया कि अब हमारा सोचने समझने का तरीका कैसे डेवलप होगा, अब जैसे या तो लगन है पहले हम उसको देख लेंगे लगन के अनुसार कि भाई हमारा मेष लगन है, हमारे सोचने फर्स्ट हाउस मेष लगन, सोचने समझने का तरीका क्या है, बहुत एक्टिव डायनेमिक कई बार इम्पल्सिवनेस क्रोध गुस्सा स्ट्रेंथ सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं यहाँ पे, ये हमारे एक सोचने का तरीका डिसाइड कर रहा। अब वहाँ पे प्लैनेट कौन सा बैठा हुआ है, वहाँ पे मालूम पड़ा राहु केतु शनि महाराज इस तरीके के प्लैनेट बैठ गए, अब शनि मरण कारक स्थान है यहाँ पे,
कई मामलों में परेशानियां, दुख, सोरोज सब देता है, रुकावटें देता है, हमारी सोच को उसी तरफ ढाल देता है, हमारी थिंकिंग उसी तरफ हो जाती है, हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कई बार। कई बार हम चीज़ों को सीधा करके सोचते ही नहीं हैं कि भाई नहीं, ऐसा काम करेंगे हम तो आगे से ऐसा होगा और हरी कृपा से हमको इसका फल प्राप्त होगा। नहीं, उसके लिए रुकावट, काम शुरू होने में ही रुकावट हो रही है, परेशानी हो रही है, तो हमारा थिंकिंग या थॉट प्रोसेस जो है वो निश्चल या शुभ ना रह के एकदम से टूट जाता है कई बार। अब उसमें क्या शामिल हो जाता है, हमारे जीवन के कई प्रकार की मिजरीज, परेशानियां, डिफिकल्टी, तो आदमी खुले मन से नहीं सोच सकता है। शनि महाराज पहले घर में बैठे हैं, दुख है, तकलीफ है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कई चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अब उसी हिसाब से हमारी सोच डेवलप होने लग जाती है। तो कहने का मतलब ये है, पहले घर में जो प्लैनेट बैठा होता है या लगन जो है हमारा, जो फर्स्ट हाउस है, वो हमारी सोच को डेवलप करता है कि हमारी सोच कैसे रहने वाली है। पहले घर में वृष राशि है, वृष लगन है, जैसे मान लीजिए अब आदमी जो है अपना सिक्योरिटी है, फैमिली है, फाइनेंसेस है, स्थिरता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाला होगा। अब इसमें अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया शुभ प्लैनेट बैठ जाते हैं, तो इन चीज़ों में वो आगे वृद्धि करेगा। मान लीजिए अब चाहे वृष लगन है, यहाँ बृहस्पति महाराज भी अगर बैठ जाते हैं आप मान लीजिए, तो आप कहेंगे कि वो लगन के लिए शुभ प्लैनेट नहीं है, वृष लगन के लिए अष्टम स्थान के और ग्यारहवें स्थान के प्लैनेट है। नहीं, वो शुभ फल प्रदान करेंगे यहाँ पे बृहस्पति बैठ के, क्योंकि ज्ञान से रिलेटेड है। यहाँ पे कोई भी लगन हो किसी भी प्रकार का, बृहस्पति महाराज यहाँ पे शुभ करेंगे। हाँ, उनकी अपनी सुंदर राशियां हों तो अति उत्तम है, मित्र राशियां हों सारी हों, वो वहां पे अच्छा करते हुए नजर आते हैं, लाभ देते हुए नजर आते हैं, हर प्रकार का ज्ञान, विवेक, बुद्धि, आप ये कर समझ सकते हैं, तीनों चीजें देते हुए नजर आते हैं यहाँ पे। और बुरे प्लैनेट्स जो होंगे फिर उसी हिसाब से आपको, अब जैसे वृष लगन है, धन कमाना है, एक पैसे का एटीट्यूड है कि भाई जो भी कुछ हो जाए, हमको नाम चाहे मिले या ना मिले, हमें पैसा मिलता रहे, वृष लगन वालों का इस तरीके का एक एटीट्यूड निकल के आता है कई बार कई चीज़ों में। अब यहाँ पे क्या होता है, अब अगर कोई विपरीत प्लैनेट बैठे हुए हैं, उनकी सोच फिर वैसे डेवलप होने लग जाती है। तो जो फर्स्ट हाउस है वो हमारी सोच को देखिए चेंज करता है। फर्स्ट हाउस हमारी पत्रिका में सूक्ष्मता से अगर हम लोग देखेंगे, हमारे कॉन्फिडेंस का कारक है। अब यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे होंगे, बलि ग्रह बैठे होंगे अपनी उच्च की राशि में, मित्र की राशि में, शनि महाराज भी यहाँ पे उच्च में बैठे होंगे, अपनी स्वयं की राशियों में बैठे होंगे, यहाँ पे शश योग बना रहे होंगे, फर्स्ट हाउस में उत्तम परिणाम यहाँ पे देंगे। ऐसा नहीं है आप अपनी राशियों में बैठे हों या उच्च की राशियों में बैठे हों तो सुंदर फल प्रदान करते हैं, परंतु दूसरी राशियों में होंगे तो तकलीफ प्रदान करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट हाउस से हम अपना कॉन्फिडेंस देखते हैं कि हमारे जीवन में कितना आत्मविश्वास है किसी चीज़ को भी करने में, दुनिया की कोई भी चीज़ हो। अब लगन उस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि जीवन में हम आत्मविश्वास से कोई चीज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वहाँ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ जाके बैठ गया है, कितना अब बट नेचुरल है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड किसी की पत्रिका में अष्टम में, द्वादश में पड़ा होगा, नीच राशियों में पड़ा होगा, कॉन्फिडेंस उनका जीरो हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए एक नॉर्मल सी बात है, वो शो करता है। अगर किसी और कारणों से वो बल नहीं पा रहा है कि अब लगन का स्वामी ऐसी स्थिति में बैठ गया, लेकिन लगन में मालूम पड़ा बृहस्पति महाराज बैठ गए, मालूम पड़ा सूर्यदेव बैठ गए, यहाँ पे उन्होंने भरपाई कर दी देखिए चीज़ों की। दूसरा क्या इसका एक एस्पेक्ट है, अब मालूम पड़ा लगन का स्वामी अपने में प्रॉब्लमैटिक है, राहु केतु के साथ कहीं पड़ा हुआ है आठवें छठे बारहवें में या नीच का होके, और मालूम पड़ा फर्स्ट हाउस में शनि महाराज बैठे हैं, राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे और बंटाधार हो रहा है, कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे जाता जा रहा है, आदमी के पास बल नहीं है, सोच नहीं है, शक्ति नहीं है, जो काम करता है डरे मन से करता है, जानता है कि होगा नहीं, चीज़ें छोड़ देता है, शुरू ही नहीं करता है, इस तरीके का देखिए फर्स्ट हाउस बताता है। हमारे अधिकारियों से जो हमारे जीवन में बॉसेस होंगे, हमारे अधिकारी होंगे हमारे, उनसे हमको कितना लाभ प्राप्त होगा, वो हमारे कितने
हमारे लिए कितना कृपाकारी रहेंगे अपने जीवन में, जो हमारे सीनियर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, अपने बॉसेस वगैरह हैं। फर्स्ट हाउस बताता है, अगर फर्स्ट हाउस में सुंदर ग्रह बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सुंदर तरीके से बैठा हुआ है, तो यकीन मानिए जो आपके अधिकारी हैं आपसे अति प्रसन्न रहेंगे, शुभ आपका रहेगा। हाँ, ये बात जान लीजिए, फर्स्ट हाउस में किसी तरीके के भी क्रूर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, तो देखिए यहाँ पे बड़े अधिकारियों से भी जो है आदमी के मतभेद या उनके द्वारा कष्ट पाना इस तरीके का हो सकता है। फर्स्ट हाउस देखिए हमारे जीवन में हमारे पिता के साथ हमारी प्रेम को दर्शाता है एक्चुअल, कि वो हमसे कितना प्रेम करेंगे, हम उनसे कितना सहज हो पाएंगे, हम उनके साथ कितना प्रेम स्वयं भी करेंगे और वो हमसे कितना एक मित्रवत व्यवहार रखेंगे हमारे पिताजी कि नहीं रखेंगे, वो हमको फर्स्ट हाउस बताता है। अब वो कई कारणों से अगर फर्स्ट हाउस दूषित है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड खराब जगह में बैठा है, कारण कुछ भी हो पिताजी के साथ हमारी जो है नहीं बन पाएगी, कई कारण उसमें कई चीज़ें आ सकती हैं। इसके बावजूद भी कि आपके नाइन्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में ही बैठा हो, पिता से आपको स्नेह मिलेगा, पिता से आपको मकान मिलेगा, विद्या मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक जो व्यवहार है आपस में आप दोनों का वो लैकिंग होगा, वो रुक जाएगा। हो सकता है कुछ और कारणों से पिता आपके जल्दी चले जाए, मान लीजिए आप उनसे वो वाला सहजता बना ही ना पाएं अपने जीवन में, हाथ मल के रह जाएं जिसको यूं कहा जाए, वो प्रेम दर्शा ही ना पाएं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट हाउस अवश्य बताता है कि हमारे पिता के साथ नेचुरल प्रेम बढ़ेगा, हमको मिल पाएगा, हम उसको कर पाएंगे, हम उसको दर्शा पाएंगे अपने जीवन में, पिता भी हमारे साथ उस प्रकार का स्नेह रखेंगे नहीं रखेंगे, एक मित्रवत व्यवहार रहेगा या किसी प्रकार से कष्ट होगा। देखिए ये भी बताता है, हम मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, कई लोग जातक होते हैं वो कहते हैं हम अपने जीवन में खूब मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं अपने जीवन में, एक सवेरे से नौकरी गए, ये काम किया, वो काम किया, हमारे जीवन में स्तर नहीं बढ़ रहा है, हमारे जीवन में हमारी ऊंची उठान नहीं हो रही है, तो ये अवश्य याद रखिए ये कर्म का सुख है। टेंथ हाउस को हम लोग कर्म जानते हैं, तो कर्म का सुख क्या हुआ फर्स्ट हाउस जब आप गिनेंगे, तो जब ये फर्स्ट हाउस अगर हमारा सुंदर तरीके से व्यवस्थित पत्रिका में नहीं है तो हमें काहे का सुख प्राप्त होगा कर्म से। हम हो सकता है खूब मेहनत करते रहे, हमको सुख ही ना प्राप्त हो उसमें, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ऐसी जगह पे बैठा हो, फर्स्ट हाउस में खराब प्लैनेट्स बैठे हों, मेहनत करने के बाद हमको उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं कुछ काम ही नहीं बन रहे हैं। देखिए ये स्थिति बन के आती है, बहुत मेहनत भी कर ली, पैसा भी कमा लिया, उसके बावजूद भी कई बार प्रतिष्ठा ही नहीं मिल रही है चीज़ों में, क्यों? क्योंकि देखिए मेहनत करने का घर कहाँ से है हमारे जीवन में, तीसरा स्थान, तीसरे स्थान से फर्स्ट हाउस क्या है, ग्यारहवां, मेहनत से उपजा हुआ हमारा जो है फल है, मान प्रतिष्ठा, हमारी इच्छाएं हैं वही नहीं पूरी हो रही हैं। अगर फर्स्ट हाउस का प्लैनेट खराब स्थिति में है या पहले घर में खराब प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, बुध बैठा है, बृहस्पति बैठा है, शुक्र बैठा हुआ है, शुभ चंद्रमा बैठा हुआ है, उच्च के शनि, उच्च के मंगल महाराज, उच्च के सूर्यदेव बैठे हुए हैं, आनंद का जीवन है, मेहनत करने में फल प्राप्त हो रहा है, मान सम्मान प्राप्त हो रहा है, प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, सीनियर से प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, फेम प्राप्त हो रही है, उच्च लेवल का कॉन्फिडेंस है, आत्मा को शुद्ध और प्योर करने वाले काम भी किए जा रहे हैं, तब सारी चीज़ें देखिए एक के बाद एक हो रही हैं। अदरवाइज अगर यहाँ बुरे प्लैनेट बैठे हुए हैं, किसी ना किसी कारणवश चीज़ें डाउन होती चली जाती हैं, प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, कष्ट होता, परेशानी होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे जीवन में पतन होने लग जाता है। अगर फर्स्ट हाउस में जीवन में ये बुरे प्लैनेट्स बैठे हों, क्रूर प्लैनेट बैठे हों, तो काफ़ी जो है यहाँ पे कष्ट प्रदान करते हैं, कई प्रकार का धन हानि है, दरिद्रता है, परेशानी है, डिसीजेज हैं, ये सब प्राप्त होती हैं। यहाँ अपने उसके कारक तत्व तो बढ़ जाएंगे, मालूम पड़ा आप देख लीजिए यहाँ पे शनि महाराज फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो उसके कारक तत्व बढ़ जाएंगे, स्वयं में शनि मजबूत हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट हाउस को
हार्म करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके कारक तत्व है, स्ट्रेंथ है, चीजें हैं, भाई है, कई बार वो बढ़ जाएगा लेकिन फर्स्ट हाउस को डैमेज कर देगा कई चीजों को लेके। फर्स्ट हाउस को डैमेज करने का क्या मतलब है? फर्स्ट हाउस को डैमेज करने का मतलब है कि हमारे स्वयं का ऑनर, सम्मान, हेल्थ, हमारे पैसे, इन सारी चीजों में सेंध लगा सकता है, परेशानी दे सकता है, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, तो फर्स्ट हाउस खराब कर देगा। फर्स्ट हाउस बुढ़ापे के लिए भी देखिए देखा जाता है, ओल्ड एज के लिए भी देखा जाता है, वहाँ तक की धमक लगा सकता है, वहाँ तक की प्रॉब्लम्स ये मंगल महाराज, शनि महाराज, राहु केतु ये सब दे सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जीवन में हमारे इच्छाएं हैं, सबके होती हैं, अब उनको प्राप्त करने का हमारे पास बल ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, वो भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। इस सेंटेंस को आप ध्यान से सुन लीजिए कि हमारी इच्छाएं हैं, आगे बढ़ने की लाइफ में सारा कुछ है, अब उसके लिए बल नहीं है हमारे पास, वजह फर्स्ट हाउस, ये याद रखिए, जानिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छा पूर्ति हम सब ग्यारहवें से देखते हैं। ग्यारहवें स्थान से जो फर्स्ट हाउस है वो क्या है, गिनती करने पे पाएंगे कि ग्यारहवें का बल ही तो फर्स्ट हाउस है। तीसरा स्थान जनरल काल पुरुष की कुंडली में हम लोग किसके लिए देखते हैं, डिटर्मिनेशन, वेल पावर, करेज, ब्रेवरी। तो ग्यारहवां स्थान इच्छा को पूर्ति करने के लिए, ब्रेवरी कहाँ से आएगी, फर्स्ट हाउस में। यहाँ पे सुंदर प्लैनेट बैठे होंगे, सुंदर रूप से काम करेंगे, एक विधि पूर्वक काम करेंगे, धर्म से काम करेंगे। अदरवाइज यहाँ बुरे प्लैनेट बैठे होंगे तो अपनी हित के लिए, अपने साधन के लिए गलत काम भी कर जाएंगे, कभी कभार वो पूरे भी नहीं होंगे हमारे जीवन में। अगर यहाँ क्रूर प्लैनेट्स बैठे हुए, बुरी डिग्निटीज में बैठे हुए, कहने का मतलब है शत्रु राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पे, तब ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है फर्स्ट हाउस के लिए, देखिए लग्ना लॉर्ड होता है हमारा फर्स्ट हाउस, जो प्रथम घर का स्वामी है। यहां से हम लोग और दो चीजें साथ में देखेंगे, वो क्या देखेंगे, नेचुरल हमारा जो आत्मा कारक है वो सूर्य है, उसको भी हम लोग देखेंगे प्रथम भाव के लिए, और हमारी पत्रिका का जो आत्मा कारक है, जो चर आत्मा कारक है, जो प्राप्त हुआ है, हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है आपकी पत्रिका में, आप वो भी देखेंगे। कहने का क्या अर्थ है, ये तीनों प्लैनेट्स आपकी पत्रिका में, जैसे फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है सूर्य, जो वहाँ का आत्मा कारक है ही है हम सबके लिए, फर्स्ट हाउस का, फर्स्ट हाउस पूरब दिशा है, पूरब है, सूर्य देवता वहाँ के राजा हैं, हम सबके लिए आत्मा कारक हैं, प्रकाश हैं, प्रथम प्रकाश हैं, आप यूं मान के चलिए, उसको देखेंगे। थर्ड प्लैनेट हम देखेंगे जो हमारी पत्रिका का चर आत्मा कारक है। ये तीनों प्लैनेट्स देखिए, अगर पत्रिका में अच्छी तरीके से किसी के भी बैठे हुए हैं, घबराइए नहीं, आनंद की जिंदगी है, छोटी मोटी चीज़ें होंगी, उसके अलावा धन, मान सम्मान, ज्ञान, सारी चीज़ें प्राप्त आपको होंगी, प्रॉस्पेरिटी, लाभ, सब चीज़ें प्राप्त होंगी। ये तीनों प्लैनेट अगर आपकी पत्रिका में व्यवस्थित हैं, फिर से देख लीजिए, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य है आपकी पत्रिका में, और आपकी पत्रिका का जो आत्मा कारक है, अच्छा ये अगर एक दूसरे को देख रहे हैं, ये मान लीजिए, कहने का अर्थ है अगर आपकी पत्रिका में सूर्य जो है आपके लगन को या लगन के स्वामी को देख रहा है, तो ये बहुत सुंदर बात है कई चीजों के लिए। आप ये मत सोचिए कि सूर्य ने उनको देख लिया अब वो शनि का लगन है ये बुरा हो रहा है यहाँ पे, ऐसी पॉइंट है नहीं, वो देखने पे एक जिसको कहा जाता है फर्स्ट हाउस का क्या है, मैंने आपको बताया, एक आत्मा की शुद्धि, एक प्रॉस्पेरिटी, एक अंदर का ज्ञान, एक सात्विकता पना, वो आदमी का नहीं जाएगा। अंततः वो सूर्य अगर लगन को देखता है या लगन के स्वामी को देखता है, ये भी देखिए एक प्रकार का राजयोग होता है। दूसरा, अगर आत्मा कारक भी आपकी पत्रिका का जो आत्मा कारक है वो भी अगर लगन को देख लेता है या लगन के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं ये प्लैनेट्स, तो यकीन मानिए आनंद ही आनंद है आपके लिए। फिर और एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे फर्स्ट हाउस के लिए, और वो है बृहस्पति महाराज। अब बृहस्पति महाराज को कहीं और फॉर्म ऑफ ज्योतिष में, नाड़ी वगैरह ज्योतिष में, तो देखिए बृहस्पति महाराज का लगन को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जीव
माना जाता है, तो वहीं से लगन की शुरुआत होती है, आप मान लीजिए उसी को लगन बना लिया जाता है। तो कहने का क्या अर्थ है, फर्स्ट हाउस जो है वो एक हमारी डिवाइन कॉन्शियसनेस है, प्रभु के साथ मिलने का एक माध्यम है। यहाँ सहस्त्रार चक्र है, आप ये समझ लीजिए वो जो जुड़ा हुआ है प्रभु से, जिन्हों हमसे जुड़ा हुआ है, हम लोगों को कहने का अर्थ है। बृहस्पति भी उसी चीज़ को डिनोट करता है, हमारी प्रभु के साथ जो है अविरल भक्ति को, एक साधना को। तो कोई भी लगन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ, जैसे मैंने पहले कहा, बृहस्पति महाराज अगर लगन में बैठे होंगे, लगन को देख रहे होंगे, लगन के स्वामी को देख रहे होंगे, आत्मा कारक को देख रहे होंगे, सूर्य को देख रहे होंगे, या इनके साथ बैठे हुए होंगे, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए होंगे, तो यकीन मानिए आनंद का चीज है। आप ये भी मानिए, लाभ, प्रॉस्पेरिटी, ज्ञान, वृद्धि, समृद्धि आपको प्राप्त होने के यहाँ योग्य हैं। पंचम स्थान का स्वामी अगर किसी की पत्रिका में फर्स्ट हाउस में बैठा हो, लगन में बैठा हो, ज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समृद्धि, मंत्र, शक्ति, वृद्धि, ग्रोथ सबको शो करता है। ये एक प्रकार से धीमांत योग बनाता है, बुद्धि में प्रबल कर देता है। नाइन्थ हाउस का प्लैनेट फर्स्ट हाउस में अगर बैठा हो तो गूढ़ ज्ञान, जो पुराना ज्ञान है, जिसको कहा जाए किसी भी प्रकार का रिसर्च ओरिएंटेड ज्ञान है, हमारे अपने यूं मान के चलिए पास्ट से रिलेटेड हमारी जितनी विद्याएं हैं वो हमको प्रदान करने की कोशिश करता है, रिसर्च ओरिएंटेड भी बनाता है हमको, हमारे भाग्य को प्रबल करता है। नाइन्थ हाउस का प्लैनेट फर्स्ट हाउस में अगर बैठता है, सपोर्ट करता है, बल देता है। फिफ्थ और नाइन्थ देखिए वैसे भी धर्म त्रिकोण में आते हैं, फर्स्ट हाउस जो है पहला धर्म त्रिकोण है। अब अगर इनका संबंध फर्स्ट हाउस से हो जाए किसी की पत्रिका में, तो यकीन मानिए कि आनंद ही आनंद हो जाता है, कि फर्स्ट और नाइन्थ हाउस का प्लैनेट फर्स्ट में बैठा हो तो, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी पत्रिका में पंचम या नवम स्थान में जाके बैठ जाए तो भी देखिए अति सुंदर है। यहाँ पे एक्सचेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए तो भी लाभ है बहुत ज़्यादा। अदरवाइज फर्स्ट हाउस में अगर किसी प्रकार के, जैसे मैंने बताया है, क्रूर हैं ये प्लैनेट्स बैठे हों, तो दिक्कत होती है। देखिए फर्स्ट हाउस से हम लोग और एक क्या चीज़ देख सकते हैं, कि अगर ये हमारा घर बलि नहीं है, शुभ नहीं है किसी भी तरीके से, तो हमारे जो संचार माध्यम है, हम जिनसे बात करते हैं, हमने किसी से कोई बात करी है कि भाई हमारा ये बात ऐसा है, ऐसा प्रोसेस हो जाएगा आगे, वो टूट जाती है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है हमको, हमारी बातों को जो है एक तवक्को नहीं मिलती है, जिसको कहा जाए इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, वेटेज नहीं मिलती है, लोग बात सुन के बाद में पलटते नहीं हैं हमारे पास, हमारे वो वीक है, जिसको कहा जाए संचार व्यवस्था हमारी वीक है। फर्स्ट हाउस अवश्य यहाँ पे प्रताड़ित होगा, या अगर फर्स्ट हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, राहु, शनि, मंगल, तो अवश्य जो दूसरे के मन में है आपके प्रति किसी प्रकार का डाउट अवश्य उत्पन्न है, इसीलिए वो बातों को या आपके जो बातचीतों को, कम्युनिकेशन को सहज रूप में सुंदर तरीके से नहीं ले रहा है। यहाँ पे मैं आपको और अब लास्ट में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। माता जी के कई कर्म देखिए हमारे जीवन में अगले पिछले फर्स्ट हाउस पे बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। अगर हमारा फर्स्ट हाउस का प्लैनेट छठे, आठवें या बारहवें स्थान में बैठा है, सुसज्जित नहीं है, बलहीन है, नीच है, नवमाशा में भी स्ट्रेंथ नहीं पा रहा है, फर्स्ट हाउस में क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, पापी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तब आप ये यकीन मानिए कि कुछ हमारी माता जी के संबंध में उनके कुछ पास्ट कर्मज ऐसे हैं जिसकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम्स उठाने को पड़ी हैं। यहाँ इसलिए बता क्यों रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि अपने फोर्थ हाउस को देखिए, अगर आपके लगन के साथ फोर्थ हाउस का प्लैनेट दूषित है तो ये अवश्य याद रखिए कि तुरंत आप फर्स्ट हाउस के साथ साथ फोर्थ हाउस का उपाय भी ज़रूर करिए। वजह, क्योंकि कुछ उनके कर्मों की वजह से भी हो सकता है कि हम लोग कनेक्टेड होते हैं सब। देखिए
हम लोग कहीं बाहर से नहीं आ रहे, हमारे वही पितर रोटेट हो रहे हैं, कभी हम माता बन रहे हैं, कभी वो पिता बन रहे हैं, कभी वो चाचा बन रहे हैं, कभी वो ताऊ बन रहे हैं। ये सिस्टम देखिए चल रहा है लाइफ में। तो हो सकता है कुछ इस तरीके के कर्म हैं, उसकी वजह से हमको हमारा लगन कमज़ोर है, वीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए ये एक पॉइंट है इम्पॉर्टेंट। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो याद रखिए कि अगर आपका लगन सुसज्जित है, सुंदर है, बृहस्पति बुध शुक्र बलि चंद्रमा उच्च के प्लैनेट्स, अपनी राशि के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो आप अपने पिता के द्वारा भी किए गए उनके द्वारा कुछ कर्म जो शायद बुरे हों उनके द्वारा हो गए हों, कुछ हानियां हो गई हों, वो आप ऊपर कर देते हैं, जिसको कहते हैं आप नाम रोशन कर देते हैं अपने कुल का, अपने खानदान का, अपने पिताजी का, बहुत आप उनको ऊंचा उठा देते हैं। और अगर यही फर्स्ट हाउस में बुरे प्लैनेट्स बैठे हैं, क्रूर प्लैनेट्स बैठे हैं, पाप प्लैनेट्स बैठे हैं, अपनी मैलिफिक राशियों में हैं, कहने का मतलब है जो उनकी दुश्मन राशियां हैं उसमें बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आप ये मान के चलिए कि अपने पिता के द्वारा जो कर्म उन्होंने किए हैं आप उनको और नीचे करते हैं और उनका नाम डुबो देते हैं। ये भी चीज़ देखी जाती है यहाँ पे फर्स्ट हाउस से। देखिए सूर्य जो है पहले घर के कारक हैं, पहले घर का जो है वो पूरब दिशा है। अगर पत्रिका में कहीं खराब हो, सबके लिए ये पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सूर्य देव की, और पूरब को पूजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा जो यहाँ के दिक्पाल हैं फर्स्ट हाउस के, वो इंद्रदेव हैं, तो ओम इंद्राय नमः करना बहुत ज़रूरी है वो माला। जिनके लिए फर्स्ट हाउस में बुरे प्लैनेट बैठे हैं, क्रूर प्लैनेट्स बैठे हैं, कष्टदायी प्लैनेट्स बैठे हैं, यकीन मानिए इस मंत्र को करने से आपका लगन मजबूत होगा। सूर्य की पूजा आराधना किसी के लिए भी करने के लिए, ये नहीं है वो हमारे प्लैनेट में अच्छे प्लैनेट हैं बुरे प्लैनेट हैं, सूर्य हम सबके पिता हैं, आत्मा कारक है, ये याद रखिएगा, वहीं से कहानी शुरू हो रही है। इसीलिए फर्स्ट हाउस से देखिए, धर्म का घर है, धर्म से ही उपज होती है। फर्स्ट हाउस काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि, मेष राशि किसका उच्च स्थान है, सूर्य का, वो हम सबके पिता हैं, ये याद रखिए। उनको जल प्रदान करना, हर प्रकार से अर्पित करना कहने का अर्थ है, जो पूजा अर्चना कर पाए, आदित्य हृदय स्त्रोत व्रत करना जो करिए, आनंद पाएंगे सूर्यदेव तो आप आनंद पाएंगे, लगन बली होगा, ये याद रखिए। जितना भी खराब स्थितियां हैं वो दूर होंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। जय श्री कृष्ण।